हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपके एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पन्नगर एंट्रेंस के फॉर्म रिलीज हो गए हैं, कैसे फॉर्म को फिल करें डिटेल में और क्या क्या स्टेप्स यूज करें, जो हम काफी गलतियां कर लेते हैं बाद में, फिर हमें पता चलता है कि अगर हम ये वेटेज लगाते तो इसके हमें बेनिफिट होता है, आगे एंट्रेंस में रैंक में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले गूगल में आप जाके GBPUT आप लिखेंगे तो आप क्लिक करने पे आपको एक उसका पेज वेब पेज ओपन होगा। तो उसमें थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक लिंक दिख रहा होगा व्हाट्स न्यूज़ पे, लिंक फॉर ऑनलाइन फिलिंग, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब इस पोर्टल पे आप आ जाएंगे तो आपको पूरा ये विंडो है, जो ये पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसीजर दिया है, इसमें एक एक स्टेप को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि क्या नोटिस आया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा साइड में डाउनलोड एडमिशन नोटिस 2021। तो हम आते हैं नोटिस की तरफ। तो ये नोटिस मैंने डाउनलोड करके रखा है आपके लिए। तो ये इसमें देखिए यहाँ पे कब इसका एग्जाम होना है। तो इसका जो एग्जाम होना है वो, अगर PhD और MSc की बात करूँ, मास्टर्स की, तो वो फॉर्म होना है 19/6 को, सैटरडे को 10 से 1 PM एग्जाम होना है। और UG अगर MCA की बात करूँ तो 20 को एग्जाम है। सही है। तो ये इसका जो फॉर्म की स्टार्ट, आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 13 अप्रैल 2021 है। और अगर बेसिकली बात करूं यूजी के लिए, तो अधिकतर उत्तराखंड डोमिसाइल लगता है, पर ICAR के थ्रू भी बच्चे आते हैं। पर अगर एमटेक और बीटेक, एमटेक की बात करूं जनरली, तो गेट का स्कोर मांगा जाता है। और ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट्स के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं MCA, एमटेक या PhD प्रोग्राम्स के लिए। तो फर्दर हम पढ़ते हैं कि क्या कैसे क्या इसकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है, क्या प्रोस्पेक्टस है इसका। तो प्रोस्पेक्टस की अगर बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में डाउनलोड प्रोस्पेक्टस 2021। इसको आप डिटेल में पढ़िए क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस, पैटर्न और इसमें कितनी सीट्स हैं वो मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। तो मैं प्रोस्पेक्टस की तरफ बढ़ता हूँ। तो प्रोस्पेक्टस में आप देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसी 2021, ये जो इसी बार का प्रोस्पेक्टस है, जहां से डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, 2021 का। तो आप नीचे डिटेल्स में बढ़ते चलेंगे तो ये कुछ प्रोसीजर है कैसे फॉर्म को भरना है, ये मैं भी आपको आगे चल के थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कितनी सीट्स हैं, किस डिपार्टमेंट्स में और कौन कौन से कॉलेजेस में और क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट दी PhD प्रोग्राम। तो PhD में अगर मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं UA डोमिसाइल, मतलब जिनका उत्तराखंड डोमिसाइल है, और यहाँ पे एक साइड में लिखा है अदर स्टेट्स। तो आप फॉर्म भरने से पहले दो चीजें देख लीजिए कि आप उसकी क्वालिफिकेशंस एक एक करके अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो अगर जैसे मैं जनरली बात करूं, जैसे एंटोमोलॉजी की, अगर टोटल सीट्स 5 है जिसमें 4 उत्तराखंड डोमिसाइल और 1 अदर स्टेट्स की, और क्वालिफिकेशन MSc एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है। तो ये जो ऊपर वाले कोर्सेज आप देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर मेजर, दीज आर बेसिकली ऑफ द एग्रीकल्चर कॉलेज के हैं। इंजीनियरिंग मेजर्स में आएंगे, कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, आप अपने जो भी हैं आप फिल कर रहे हैं उसे चेक कर लीजिए। बेसिकली आपको ले चलता हूँ बेसिक साइंस के लिए, इससे बीच में होम साइंस मेजर्स है, साइंस मेजर्स में चलते हैं। तो बेसिकली मुझे केमिस्ट्री के बच्चों ने काफी पूछा था, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें से 4 उत्तराखंड डोमिसाइल जिनके पास है और 1 आप देख सकते हैं अदर स्टेट की। इसके लिए क्या मांगा है, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपकी MSc होनी चाहिए जनरली। तो आगे बात करूं, इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंट साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो ये सारी आपको सीट्स पता चली PhD प्रोग्राम्स की। फिर लास्ट में इसमें वेटनरी साइंसेस है। अब हम जनरली चलते हैं मास्टर्स प्रोग्राम्स की तरफ, उसमें कितनी सीट्स हैं। तो ऐसी सेम वे में इसमें पहले एग्रीकल्चर मेजर्स, मतलब किसी को अगर एडमिशन, अगर जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, तो सब उसके आगे सीट्स और उसकी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं। ऐसी इंजीनियरिंग मेजर जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें कोर्सेज हैं, फिर फिशरीज कॉलेज के हैं, फिर होम साइंस कॉलेजेस के, और फिर हम बेसिकली पढ़ते हैं साइंस मेजर। साइंस मेजर इज अ जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो अगर इसमें बात करूं मैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की टोटल सीट्स यहाँ पे 10 हैं। तो इसमें क्या है, BSc केमिस्ट्री चाहिए। अगर आप जैसे कई बच्चे जैसे ZBC वाले होते हैं UG में, तो वो केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, या इसमें माइक्रोबायोलॉजी देख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर, केमिकल्स हो गया, तो ये कुछ ब्रांचेस हैं, या प्लांट फिजियोलॉजी, अब इसमें ज्वाइन
कर सकते हैं, या अगर किसी की यूजी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से है तो वो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये कुछ फिजिकल साइंस की जो ब्रांचेस हैं आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो साइंस मेजर जो सारी कैटेगरीज यहाँ पे लिखी गई हैं, ये दिस आर ऑफ द कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो कितनी सीट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये आपको सही से समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, वेटनरी साइंस कॉलेज में भी ऐसी बीवीएससी चाहिए है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सारी चीजें आप दे सकते हैं। यूजी बेसिकली एग्रीकल्चर कॉलेजेस, होम साइंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं 130 सीट्स हैं, अगर बीवीएससी की बात करूं 62 सीट्स हैं, और कुछ एडमिशन्स जो होते हैं वो जेईई मेंस की रैंक से और एमटेक में आपको बताया मैंने गेट की रैंक के आते हैं। अब हम जनरली बात करते हैं बेसिकली रिजर्वेशन पॉलिसीज, किस किस से हम क्या क्या चीजें लगाएं, वेटेज सर्टिफिकेट जिससे हमें बेनिफिट मिल सके ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। तो अगर हम पहले, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जाम डेट कंफर्म हो गई है, जैसे मैंने बताया था एक 19 को एग्जाम है, एक और 20 को। अब हम पहले ये सीख लेते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम आएगा, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या उसका पैटर्न है, ये भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर मैं पहले पीएचडी प्रोग्राम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक हेडिंग 16 के नीचे आप ये सारा प्रोस्पेक्टस में है। तो ये देखो, इसमें पीएचडी प्रोग्राम में जो टोटल मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का होता है, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 3 मार्क्स एक करेक्ट आंसर के लिए होते हैं और 1 मार्क्स इसकी नेगेटिव मार्किंग के लिए हो गया। अब मैं मास्टर प्रोग्राम या एमएससी के लिए या एमसीए प्रोग्राम्स की बात करूं, तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, होता वो 3 आवर्स के अंदर ही है। पहला एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरा जो होगा सब्जेक्ट मैटर टेस्ट। सब्जेक्ट मैटर टेस्ट, मान लो किसी ने लाइफ साइंस के लिए एग्जाम दिया है, तो उसमें उसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अगर किसी ने फिजिकल साइंस से दिया है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, जनरली एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो उसकी जो बुकलेट होती है 45 मिनट्स के बाद उसको वापस ले लिया जाता है और आपको सेकेंड बुकलेट दे दी जाएगी फॉर दी मेजर एग्जाम, जो जिस जिस कोर्ट के लिए आपने भर रखा है, चाहे फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है। इसको मैं भी डिटेल में बताऊंगा कैसे कोड क्या है और कैसे जब आप फॉर्म भरे तो उन कोड्स को अच्छे से भरिए, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है कि पहला जो एग्जाम होगा 45 मिनट्स का एप्टीट्यूड वाला, 50 50 मार्क्स का होगा, और जो दूसरा होता है 200, उसमें से आपको 150 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, और दोनों की मिलके आपकी क्या कहते हैं रैंक बनेगी, और वो रैंक के हिसाब से आप काउंसलिंग में फिर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। वो सब बात की बात है, तो मैं आगे वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अब उसके बाद अगर बात करूं यूजी प्रोग्राम्स की, यूजी में भी आपके पास अपनी कैटेगरीज हैं, अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड के हैं या पीसीएम के हैं, पीसीए के हैं, जो भी हैं, तो उसमें अगर पीसीबी बैकग्राउंड के हैं तो 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 50 केमिस्ट्री के होंगे, और 70 बायोलॉजी के होंगे, और 30 क्वेश्चन इसमें मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन होते हैं। टोटल इन सब में से आपकी फिर फाइनली रैंक बनेगी, कट ऑफ बनेगी। ये क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं चाहे पीएचडी हो, मास्टर्स हो, अंडर ग्रेजुएट हो, 3 मार्क्स एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं काउंसलिंग, ये तो सब बात की बात है कि जब आपका सिलेक्शन मतलब रैंक आ गई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद का ये प्रोसीजर है। तो मैं आपको बेसिकली ले चलता हूँ कोर्ट्स की तरफ, है ना। तो अगर आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको वहां पे लिखा होगा कैटेगरी। तो आप यूजी प्रोग्राम के अगर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पे लिखा होगा कि आपको मतलब कोर्ट लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप उत्तराखंड जनरल के हैं, ठीक है, और आपके पास कोई वेटेज नहीं है, तो आप उसके आगे लिखेंगे 110 110। अगर इनकेस मान लो आपको रूरल वेटेज है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपका कोड हो जाएगा 1101। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि चाहे रूरल है या स्पोर्ट्स वेटेज है आपके पास या कोई भी एग्रीकल्चर वेटेज है, तो इसको हम कैसे बनाएं, क्या इसका फॉर्मेट है और इसको कैसे हम इसको अप्लाई करें। तो ये सारे फॉर्मेट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में है, कहां से मिलेगा ये सारी चीज मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हम कोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे हम जल्दीबाजी में ये सब चीजें नहीं पता होती हैं और हम विदाउट कोटेज वेटेज करके ये चीज फिल कर देते, फिर बाद में होता है अरे ये भी रह गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में एक बार अच्छे से सही से आप पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर मान ले ये कोई अगर फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट है तो उसमें विदाउट वेटेज है तो उसका कोड अलग होगा, उसका रूरल वेटेज है तो अलग होगा, स्पोर्ट्स वेटेज है तो अलग, एग्रीकल्चर। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स एक बार आप इसे देख लीजिए, चाहे एससी एसटी डिफरेंट कैटेगरीज और इसके कोड्स वेट कैटेगरी वाले अलग हैं।
अब मैं बात करता हूं, अगर मास्टर प्रोग्राम अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी में आपको एनसीसी के भी मार्क्स मिलते हैं। तो अगर मान लो आप उत्तराखंड स्टूडेंट हैं और जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं और आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट है सी सर्टिफिकेट तक, तो आप ये अप्लाई ये लिख सकते हैं 1101, इसका आपका कोड हो जाएगा। ये आपके कोई स्पोर्ट्स है कोई नेशनल लेवल, इसकी आपके नीचे इसमें लिखी हुई भी है पूरी कि स्पोर्ट्स कोटे के लिए आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मतलब किस चीज के लिए होने चाहिए, जैसे स्टेट का होना चाहिए नेशनल का होना चाहिए ना, तो ये सारे आपके यहाँ पे कोड्स भी लिखे हैं। तो ये आपका एमएससी है, एमएससी के लिए कोड्स जो होंगे कैटेगरी कोड वो ये हो गए। और अगर मैं जैसे बात करूं कि आपकी सब्जेक्ट कोड कोड क्या होंगे, सब्जेक्ट कोड भी वहां पे लिखा होगा, ग्रुप कोड लिखिए या सब्जेक्ट कोड लिखिए। तो अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो आप 1 लिखेंगे, हॉर्टिकल्चर के हैं 3 लिखेंगे। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की। लाइफ साइंस जो कोड होता है उसका 9 होता है, और वो कौन बच्चे लिखेंगे जिनकी बीएससी या तो बायोकेमिस्ट्री से हुई हो या माइक्रोबायोलॉजी से हुई हो, या केमिस्ट्री उनका मेजर सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी या जूलॉजी बॉटनी जैसे जेडबीसी जनरली बहुत बच्चे होते हैं कुमाऊं के गढ़वाल के। तो बीएससी बायोलॉजी की अगर बात करूँ, चाहे जूलॉजी बॉटनी आपका सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट साइंस बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी, ये वो जिनकी ये क्वालिफिकेशन है उनका जो कोड होगा वो 9 होगा, और जो इनके एग्जाम में आएगा वो जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री आएगी, है ना। अब दूसरा बेसिक जो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस का कोड है दैट इज अ 10, जो है फिजिकल साइंस। या तो आपकी फिजिक्स जो बीएससी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, या स्टैट्स हो या फिजिक्स हो मतलब। अगर आप एमएससी किस में करना चाह रहे हैं, मान लो अगर आप एमएससी करना चाहते हैं मैथ्स में फिजिक्स में, है ना, मैथमेटिक्स में, तो आपके ये कोर्स हो गए, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, उसके हिसाब से आपके कोड हो गए। तो ये बेसिकली ये था। और अगर आपको मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी इसी प्रोस्पेक्टस के नीचे आप जाएंगे, ये जो बीच में कुछ यहाँ पे अभी ये वेटेज वाले आएंगे, ये मेडिकल वेडिकल ये सारी चीजें आपको लास्ट में जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपके काउंसलिंग के समय ये सर्टिफिकेट्स लगते हैं, तो ये अभी आपके लिए यूज नहीं है। और जो है सर्टिफिकेट्स में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जो अभी जैसे वेटेज का स्पोर्ट्स का है ना, ये सारी चीजें अभी बताता हूँ। अभी उससे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। अगर सिलेबस की बात करूँ फॉर यूजी प्रोग्राम, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का तो कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं होता है, जनरली क्लॉक वाले क्वेश्चन या डिफरेंट आते हैं। अगर कुछ ऐसी क्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनरली अगर बात करूं मैथ्स का सिलेबस दिया है, मतलब पूरा यूजी का इसमें यूजी एंट्रेंस का पन्नगर का पूरा सिलेबस इसमें है। उसके बाद फिजिक्स का होगा, फिर बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, है ना। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, मास्टर्स का भी इसमें सिलेबस होगा, तो अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के तो उसका भी आता है। अब मास्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मास्टर एग्जाम। अगर आप लाइफ साइंस को बिलोंग कर रहे हैं मतलब जेडबीसी के जनरली बच्चे होते हैं जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो आपका जो एग्जाम में ये यूनिट्स आनी है, यूनिट 1 ये सारा बायोलॉजी का, इसमें लास्ट में जाके आप थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन भी होगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस है फॉर द लाइफ साइंस स्टूडेंट जो कोड भर रहे हैं क्या 09। अगर मैं फिजिकल साइंस की बात करूं, जो एमएससी पन्नागर में फिजिकल साइंस के लिए जिन्होंने कोड लिया तो उनके ये सिलेबस है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो आपको काफी चीजें अब क्लियर कट होती गई होंगी कि एग्जाम आपका कब है, सीट्स कितनी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या आपका सिलेबस है, और अब हम उसके बाद कौन कौन से कोर्स भरे अपने रिजर्वेशन के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें, और एमसीए का भी इसमें एंट्रेंस का सिलेबस है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप प्रोस्पेक्टस को काफी मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़िए, कोई अगर डाउट हो क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप है हमारा फॉर्म भरना, कैसे भैया अब हम अपना फॉर्म कैसे भरें पन्नागर एंट्रेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने पोर्टल स्टार्टिंग में खोला था याद आपको होगा, जीवीपीटी डाला था, यहाँ पे लिंक आया था, फिर उसके बाद ये वेब पोर्टल खुला था, तो यहीं पे आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन करके है। तो यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे और आपके पास ये सारी चीजें जनरली आपकी इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐसे करके आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड करके आपके पास फोन में और मेल में आपके पास एक आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन के साथ देखते हैं कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे वो आप पुट करेंगे, फिर आपके पास इसका फॉर्म खुल जाएगा और आप उसके पास फॉर्म इसको फिल कर लेंगे। तो आपको उसमें जो जो दिक्कतें आएंगी मैंने ऑलरेडी बता दी, जैसे कोर्स वगैरह के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि कैसे कहाँ से सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करें, जैसे यहाँ पे एक चीज लिखी है डाउनलोड वेटेज कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके फॉर्मेट्स है, तो मैं आपको इसके सारे फॉर्मेट्स भी दिखा देता हूँ। तो इस फॉर्मेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे अगर आप
जाति प्रमाण पत्र बनाने चाह रहे हैं, जैसे UKPSC मतलब अन पिछड़े वर्ग के लिए, तो उसके लिए काम है, उसके लिए ये आपका फॉर्मेट दिया है। आप अगर SC ST वाले हैं, या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, या सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर का है ना, डिफेंस का, तो और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे रूरल वेटेज बता रहा था मैं आपको, फिजिकल हैंडीकैप का है ना, तो वेटेज फॉर दी स्पोर्ट्स, ये आपको पूरा इसमें प्रोसीजर है, ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद इसमें जितने भी साइन वगैरह करा के फिर इसको स्कैन करके आप जहाँ पे मांगे होंगे, या आपको लास्ट में भी, अभी तो सिर्फ रिपोर्ट लिखे जाएंगे है ना, तो ये आपका वेटेज एग्रीकल्चर का है ना, ये सारी चीजें। अब लास्ट स्टेप आता है हमारा कि फॉर्म भरते समय क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस होंगी, क्या क्या कैसे हम चीजों का ध्यान रखें, तो वो जो चीजों का ध्यान रखना है तो उन चीजों को मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास एक इसी में कॉलम है, क्या है, इंस्ट्रक्शन या स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं, तो इसमें आप क्लिक करेंगे, पूरे एक इसकी PDF है ना, इसको आप, इसमें मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बता देता हूँ। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए वहां पे रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे थे, वहां पे ईमेल ID, लॉगिन, ये सारी चीजें, आप आधार कार्ड, आपकी इंफॉर्मेशन, आप डिटेल में इसको अच्छे से, फोटोग्राफ हो, इमेजेस हो, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, आपकी फीस, ये सब चीज करने के बाद जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, तो आपको लास्ट में क्या करना है, तो जो आपका कंफर्मेशन पेज निकल के आएगा उस फॉर्म का है ना, और उसकी आपकी फीस रिसिप्ट हो गई, या और आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं तो उत्तराखंड की क्या डोमिसाइल लगेगी, और उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, या वेटेज के जो आपने सर्टिफिकेट, मैंने फॉर्मेट आपको बता ही दिए, वहां से उनकी कॉपी और वेटेज के सारे सर्टिफिकेट, ये पूरा एक एनवेलप में जाएगा, और बाहर से पन्नगर का एड्रेस, टू दी कोऑर्डिनेटर, ये सब चीजें फिल करके फाइनली ये आपका, एक तो आपको ऑनलाइन भरना ही भरना है, उसके बाद वो सारा प्रिंट आउट निकाल के ये डॉक्यूमेंट सबमिट होके आपका एनवेलप में यूनिवर्सिटी को आप क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो इस हिसाब से आपका फॉर्म भर जाएगा। और तब भी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, किस तरह से पढ़ें, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, अभी काफी टाइम है, अभी कई लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो आप एग्जाम्स में आप अच्छे से अपनी मेहनत कर सकते हैं, जैसे बोर्ड्स वाले हैं, तो अगर आप 11th 12th का अच्छा से पढ़ेंगे तो आपका 50% सिलेबस वही कवर अप हो जाएगा है ना, और ये कोई अगर मास्टर या PhD कहीं पे भी बच्चे हैं, वो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपने जो जो आपके कोर्सेज है, जैसे आप कहीं MSc कर रहे हैं, तो आप वहां पे वो चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके MCQs ज्यादा लगाइए, क्योंकि पन्नगर में क्या MCQs आएंगे, अभी और भी आप एंट्रेंस देंगे वहां पे भी MCQs हैं, तो उसके लिए मैं चाहे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पर अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।